मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मिले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर मोनी दीपा। और आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। और मेरी सारी पूजा की तैयारी हो चुकी है, मैंने ये अपना पाट वाला साड़ी भी पहन लिया है, नहा के बिल्कुल रेडी हूँ और पूजा की भी तैयारी हो चुकी है। तो मैं जा रही हूँ पाट करने। पाट करने के टाइम मैं सूट नहीं करूंगी क्योंकि किशन सुबह में ऑफिस चले गए हैं और रोहित भी स्कूल चला गया है। जिस दिन रोहित की छुट्टी हो जाएगी तो उस दिन से मैं आप लोगों को अपना पाट करते हुए सूट करवा लूंगी रोहित से। बट अभी पाट करने के टाइम ध्यान भंग होता है, इसलिए मैं कुछ भी सूट नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ पाट करने और पाट के बाद मैं आपको माता रानी के दर्शन करवाऊंगी। तो मैं पाठ के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोगों में से कौन कौन नवरात्रि का फास्ट रख रहा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने, पूजा करके उठती हूँ तो फिर आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी। मेरी पूजा हो गई है, प्रसाद खा के पानी भी पी लिया है। रोहित के लिए यहाँ प्रसाद रख दिया है, तो वो स्कूल से आएगा तो वो खाएगा। और अभी मैं पीऊंगी नारियल पानी। और किशन ने आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा नारियल लेके आए हैं किशन। मीठा है पानी, तो मैं इसको पहले फिनिश कर लेती हूँ। गुड इवनिंग गाइस, और अभी शाम हो रही है। मैंने उसके पूजा के बाद और कुछ भी सूट नहीं किया क्योंकि प्रसाद खा के पानी पिया और दिन भर कुछ भी नहीं की, बस सब्जी रोटी बनाई रोहित के लिए। रोहित स्कूल से आने के बाद वो खाया और उसके बाद फिर किचन पे आ गए और कुछ किया नहीं हम लोगों ने, इसलिए उस समय कुछ सूट करने का इच्छा नहीं हो रहा था। मैं एक्चुअली बहुत थक चुकी थी क्योंकि सफाई चल रही थी और मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी, मैं सो गई थी। और उसके बाद फिर शाम में उठी हूँ, फिर नहा के पूजा किया है, अभी शाम का पाठ हो गया है मेरा। और हम लोग निकल रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। रोहित का सोचा है कुछ लूंगी ड्रेस वगैरह, क्योंकि दुर्गा पूजा तो नजदीक आ गया है और शॉपिंग हमारी पूरी बाकी है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से, तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो चलिए आप लोग को भी ले चलती हूँ। इस तरह से रेड रेड डेकोरेशन हुआ है सारे तरफ, मैं आपको दिखाती हूँ। इधर पे और वहां पे बना है माता रानी की मूर्ति। और
शॉपिंग हो गई है थोड़ी सी रोहित की, और बस आप देख सकते हैं सब बंद होने लगा है क्योंकि लेट हो गया है पार्ट करते हुए। आज हम लोग का लेट हो गया था, फर्स्ट डे था थोड़ा सा, तो आज थोड़ा सा टाइम का हुआ है गड़बड़, बट ठीक है कोई बात नहीं। और हम लोग रोहित का लेना था मेन, उसका हो गया है, और ये रहे किशन। तो देखते हैं फिर आएंगे हम लोग कल परसों, क्योंकि शॉपिंग तो बाकी है, अभी किशन की बाकी है, मेरी थोड़ी बहुत हो रही है लेकिन पूरी नहीं हुई है अभी तक। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक दुर्गा जी का स्टैचू बनाया गया है, आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को फ्रंट से दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ माता रानी रखी गई है, यहाँ पे सब लोग यहाँ पे फोटो क्लिक करवा रहे हैं, हम लोग भी क्लिक करवाएंगे यहाँ पे फोटो। और किशन और रोहित आइसक्रीम एंजॉय कर रहे हैं, मेरा तो फास्ट है, मैं नहीं खा सकती। अच्छा लग रहा होगा ना आज, ज्यादा टेस्टी है ना, बहुत ज्यादा टेस्टी है, लग ही रहा था आज ज्यादा टेस्टी लग रहा होगा, है ना। लग रहा है आप नहीं खा रही हो। अच्छा चलो एंजॉय करो तुम लोग, हम देख ही सकते हैं बस तुम लोग को। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज है सेकेंड डे और रोहित घर पे है, तो वो मुझे सूट कर रहा था। पार्ट के टाइम मैंने कह दिया था कि सूट नहीं करना क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, पार्ट के टाइम इधर उधर ध्यान जाता है। तो अभी सब कुछ ख़त्म हो चुकी है, आरती वगैरह, और पूरे घर में मैं आरती घुमा रही हूँ। पार्ट के बाद रोज़ मैं इस तरह से दोनों टाइम आरती घुमाती हूँ पूरे घर में, उसके बाद फिर हम लोग सब आरती लेते हैं। तो रोहित मुझे सूट कर रहा है क्योंकि आज रोहित घर पर है, तो आज सेकेंड डे हो गया है। और आप लोगों का पूजा कैसा चल रहा है? और दुर्गा पूजा के टाइम में मैं कुछ कुछ नया नया चीज़ें बना के बच्चों को खिलाती हूँ। तो आज बना है सांभर बड़ा, और रोहित अकेले है तो बस इतना सा ही बनाया है, काफ़ी है उसके लिए, पता नहीं इतना खा भी पाएगा कि नहीं। तो रोहित, किशन तो है नहीं, बस रोहित के लिए बनाना था, मेरा तो फास्ट है। चलो वेलकम। तो इस तरह से रहा मेरा आज का ये ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी नवरात्रि।